नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमालयन ग्लेशियर्स के बारे में। बात है हिमालयन ग्लेशियर्स की, उनकी मेल्टिंग की, और उनकी मेल्टिंग किस तरह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हिमालयन जो वो माउंटेन्स हैं, वो इंडिया के काफ़ी हिस्से में से गुजरते हैं। इनफैक्ट अकेले इंडिया में से नहीं गुजरते, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें से हिमालयन माउंटेन्स निकलते हैं। जैसे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, आपका ये सारा आपका पाकिस्तान भी हो गया जहाँ पे हिंदू कुश रेंज आ जाती है, अफगानिस्तान हो गया आपका। तो ये सारी कंट्रीज, लगभग 8 ऐसी कंट्रीज हैं जो हिमालयाज जिन पे हिमालयाज अपनी एक होल्ड बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, बात हम करेंगे एक स्टडी की जो अभी कुछ दिन पहले आई थी, थोड़े दिन पहले आई थी, और उसमें ये देखा गया कि हिमालयाज मेल्ट कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखते हैं उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम इंक्लूड किया है, इस आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे अपनी। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो दोस्तों, अगर इसकी बात करो तो ये आप देख सकते हो कि ये जो जहाँ पे मैं एरो लेके जा रहा हूँ, ये बेसिकली वो रीजन्स हैं जहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स हैं और आपके आपके हिमालयन माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पे हिंदू कुश रेंज है और यहाँ पे आपके पूरी ये हिमालयन रेंज है जहाँ पे हिमालयस फैले हुए हैं। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है, हालांकि ब्रांचेज में हम नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा ऊंची है। अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचे हिमालयाज ही हैं, बिकॉज इनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि मतलब अगर आप बात करो हमारी हाईएस्ट पीक की, माउंट एवरेस्ट की, वो भी हिमालयाज का ही पार्ट बनती है। तो हाइट की वजह से ये जो माउंटेन्स हैं, ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। मतलब इनमें बर्फ बहुत ज़्यादा स्टोर्ड है, इतनी ज़्यादा बर्फ स्टोर्ड है कि ये यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स बने हुए हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो ग्लेशियर्स हैं, ये आपके जब गर्मियों में गर्मी पड़ती है तो ग्लेशियर्स में से आइस पिघल के आपकी नदियों के फॉर्म में डाउन स्ट्रीम जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में शो हो रहा है, इंदस जो जो फोटोग्राफ है उसमें शो हो रहा है, ये इंदस रिवर सिस्टम है। तो यहाँ से रिवर मेल्ट होते हुए ये इधर एंटर करती है डिफरेंट ब्रांचेज में, जैसे ये नीचे वाली सतलुज ब्रांच है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइड से एंटर करती है और ये जाके अरेबियन सी में इधर मिलती है आपके ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखिए, अब इसमें अगर हम बात करें तो ये इंदस रिवर सिस्टम है जिसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। ऐसे ही आपका गंगा रिवर सिस्टम है जिसकी बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, और इनफैक्ट गंगटिक, ये आपका जो सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, सो गंगटिक रिवर तो ऐसी रिवर सिस्टम है जिस पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। तो यूपी आपका देखिए कितना ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है, आपका बिहार कितना ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है। तो ये सारे रीजन्स जो हैं, ये रिवर्स बहुत ज्यादा लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो भी यहाँ से निकलती है, और इधर जो इरावती रिवर है, और यहाँ से ये जो आपकी यांगसे रिवर है जो चाइना की, और इधर आमुद दरिया है। तो ये सारा जो है ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा एरिया, कितनी ज्यादा रिवर्स इन ग्लेशियर्स में से निकल रही हैं। तो ऑब्वियसली कुछ भी अगर ऐसा होता है जो ग्लेशियर्स पे इम्पैक्ट डाल रहा हो, तो वो उन रिवर्स पे भी इम्पैक्ट डालेगा। और इनफैक्ट दोस्तों, उन रिवर्स पे नहीं डालेगा, उन 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 रिवर्स पे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो उसको भी इम्पैक्ट करेगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हिमालयन रेंज की। तो आप देख सकते हो, तो ये जो पूरी रेंज है हिमालयन प्लस जो आपकी ये हिंदू कुश माउंटेन्स की रेंज है, ये 4.3 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर एरिया कवर करती है टोटल। और इसको, इस रीजन को थर्ड पोल भी बोला जाता है। व्हाई फ्रेंड्स थर्ड पोल बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा आइस स्टोर है। तो नॉर्थ पोल में भी आइस है, आपके साउथ पोल में तो बहुत ज्यादा है, और उसके बाद आपकी थर्ड पोल इसे इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि ये यहाँ पे थर्ड नंबर पे आइस सबसे ज्यादा है। तो ये रीजन जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं, डिफरेंट उनके कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज पैटर्न्स हैं, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं। तो आप देख सकते हो कि नियर अबाउट 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें हिमालयस फैले हुए हैं। तो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली डिफरेंट डाइवर्सिटी तो यहाँ पे होगी होगी। तो सर्टनली फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल
इस पूरी हिमालयन, आप बोल सकते हो कि हिमालयन जो हिमालयन रेंजेस हैं और उनसे निकलती जो रिवर्स हैं उस पर डिपेंडेंट हैं। सो 2 बिलियन दोस्तों कैसे हो सकते हैं? आपके माइंड में आएगा कि देखिए जो आपकी पहाड़ियाँ होती हैं, हिल्स होती हैं, वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होती, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है उनके उनके द्वारा रिवर्स की भी। तो यहाँ पे अगर आपकी रिवर्स निकलती हैं, इधर गैंजेस रिवर निकल रही है, इधर इंदस निकल रही है, इधर अमुद्रया निकल रहा है, इधर ब्रह्मपुत्रा निकल रही है, इरावती निकल रही है, और यहाँ पे यहाँ से जांगसे क्यांग निकल रही है, तो इनफैक्ट ऑब्वियसली बहुत सारी पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट है। और इनफैक्ट 3 बिलियन पॉपुलेशन जो है आपकी वो इस पे फूड हिमालयन हिमालयाज एक तरह से हिमालयन रेंज के जो पूरा एनर्जी है और उसके द्वारा जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट है। बिकॉज दोस्तों सिंपल है, सिंपल मैंने आपको सिंपल बात बताई, अगर आपकी रिवर्स हैं, रिवर्स क्यों हैं? बिकॉज वहां से आइस मेल्ट होकर आ रही है, तो रिवर्स जब आती हैं तो वो अपने साथ कैनेटिक एनर्जी लेके आती हैं, तो जब आप वो कैनेटिक एनर्जी में होती हैं तो वहां पे डैम बनाए जाते हैं जो टर्बाइंस को घुमाते हैं, उससे एनर्जी बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। और साथ की साथ ये जो रिवर्स हैं जब ये नीचे आती हैं तो अपने साथ अलूवियल सॉइल्स लेके आती हैं, जो इंटायर एरिया, जो इंटायर बेसिन एरिया है रिवर्स का उसमें ये फैला देती है, तो ये अलूवियल सॉइल जो होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है जिससे फूड फूड निकलता है, तो ये बहुत ज्यादा सर्विसेज एक तरह से ये रिवर्स हमें प्रोवाइड कर रही हैं, और हिमालय से कहीं ना कहीं इनका हिमालय से लिंक है। तो आपका मेरा पर्पस यहाँ पे क्या था, आपको बताना कि इंपॉर्टेंस क्या है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि मेल्टिंग की क्या बात हुई है। तो दोस्तों अभी थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट आई है, आई विल शो यू दैट रिपोर्ट। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने है, ये रिपोर्ट आई है, इसमें ये पाया गया, तो ये रिपोर्ट आई थी, किन्होंने रिलीज किया है, ये रिलीज किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की, और उन्होंने बोला कि जो हिमालय और हिंदू कुश माउंटेन्स की जो आइस शीट्स हैं वो लगभग 21st सेंचुरी के एंड तक अपनी जो 1/3 जो अपनी आइस है उसको वो खो देंगे। अगर वहाँ पे, अगर सिंपल बात है वहाँ पे, अगर मैं आपको ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊँगा बिकॉज वो हमारा कंसर्न नहीं है, सपोज वहाँ पे 100 kg बर्फ है तो उसमें से 33 to 34 kg वहाँ पे 21st सेंचुरी के एंड में नहीं रहेगी और वो दोबारा से वहाँ पे पड़ेगी भी नहीं। उसका रीज़न क्या है? बेसिकली क्लाइमेट चेंज है। तो इनफैक्ट ये कहा गया है कि चाहे जो नेशन जिन्होंने पेरिस कॉन्फ्रेंस 2015 में अपने जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, जो जो एक तरह से टारगेट रखे हुए हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वो भी अगर एम्बिशियस तरीके से पूरे किए जाएं तब भी जो 33% ऑफ द आइस तो है वो फॉर श्योर खत्म हो जाएगी हिमालयन और हिंदू कुश माउंटेन से। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात इसमें ये है कि इनफैक्ट अगर जो जिस स्पेस पे अभी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या और जो आपकी व्हीकुलर पोल्यूशन की वजह से, या और मल्टीपल रीजंस की वजह से, अगर वो इसी करंट, जैसे करंट अभी चल रही है उसी पेस पे चलती रही, तो ग्लेशियर्स इनफैक्ट नॉट ओनली 1/3 लूज कर जाएंगे, वो 2/3 लूज कर देंगे अपनी जो आइस है, मतलब 66% आइस वहां से डिसअपियर हो जाएगी और वहां पे पड़ेगी भी नहीं। तो आप देख सकते हो कि अगर वहां पे बर्फ नहीं पड़ेगी तो रिवर्स नहीं होंगी, रिवर्स नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि रिवर्स पे आपका खाना डिपेंडेंट है, बिकॉज एलुवियल फर्टाइल सॉइल्स वो लेके आती हैं, और साथ ही साथ आपकी ये रिवर्स से आपका एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स जो लगे हुए हैं, और उसके बाद लोग अपनी ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इंडस्ट्रीज अपनी वाटर की नीड्स के लिए, और जो आपके अर्बन एरियाज हैं वो अपनी वाटर नीड्स के लिए मल्टीपल वे से इन रिवर्स पे डिपेंडेंट है। तो जो ऑब्वियसली अगर रिवर्स नहीं होंगी तो इकोसिस्टम में भी इम्बेलेंस आएगा, तो बहुत सारे लोग जो फिशरीज में इंगेज हैं या किसी और काम में इंगेज हैं अगर आप देख लीजिए, तो उनको वो बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पहुँचेगा। अनदर स्टडी ने, एक और स्टडी हुई जिसमें ये पाया गया कि ऑलरेडी जो ये जो ग्लेशियर्स हैं अपना ओरिजिनल का जो इनके पास पहले था उसका ये 60% ऑफ द मास खो चुकी हैं, और नियर अबाउट 250 मीटर जो आपका
ये ग्लेशियर्स हैं वो श्रिंक कर चुके हैं, मतलब 250 मीटर श्रिंक कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि 250 मीटर में कितनी बर्फ आ सकती है। तो आप अब सोचोगे कि 250 मीटर में कितनी आएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा टन्स ऑफ, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते 250 मीटर में अगर ये सारी तरफ से कम हुई है तो कितनी ज्यादा बर्फ वहां पे अभी नहीं पड़ रही है। तो रेट ऑफ वार्मिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये पर्पस क्या है वीडियो बनाने का, बेसिकली आपको सेंसिटाइज करना कि देखिए हमारी जो इकोलॉजी है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितने ज्यादा चेंजेस लेके आ रहा है, और हम आज जो है इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले टाइम में ये हमें बहुत प्रॉब्लम करेगा। और इनफैक्ट देखिए ये जो आपका है, अगर आपके ये पैटर्न चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली इससे क्लाइमेट भी चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो कहीं पे ड्रॉट्स आएंगे, कहीं पे आपका फ्लड्स आएंगे, और काफी ज्यादा डिजास्टर हो सकते हैं, और आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी में जा सकती है। और सडनली अब इसका आप एक तरह से अगर हम बात करें, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या क्या नुकसान होगा, बिकॉज हमारी लाइफ जो है वो इतनी ज्यादा लिंक्ड है इन रिवर्स के साथ, हिमालयस के साथ, कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो दोस्तों अब पर्पस क्या था ये वीडियो बनाने का, पर्पस यही था कि आप सेंसिटाइज हो, आप लोगों को सेंसिटाइज करें, आपकी जो 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 आपके सोसाइटी में हैं जिनको आप जानते हैं, एटलीस्ट उनके साथ बात कीजिए। बिकॉज एक बहुत ही अच्छी कोट है, महात्मा गांधी ने वो कोट बात बोली थी कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। सो जो आप चेंज दूसरों में देखना चाहते हैं पहले उसको अपने में लेके आइए, और जितना इम्पैक्ट उसका बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाइए भी। तो ये पर्पस है दोस्तों, डू इंश्योर कि आप इसको शेयर करें, इस वीडियो को, लाइक भी करें, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा पर्पस है आपके आपके तक आप आपके पास बात लेके आनी। आप आगे बनती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस बात को कितने लोगों के बीच में बांटते हो, ताकि वो भी सेंसिटाइज हो सकें, और स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स जो हमारे हैं वो हमारी जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए एक तरह से फ्रूटफुल साबित हों। तो शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, खुदा हाफिज़।